साथियों, आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। पिछले दो सालों में हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 लाख नए कैडेट्स बनाए हैं। मुझे खुशी है कि एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेशन जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 1 लाख कैडेट्स का विस्तार देश की कॉलेजों में किया गया है। 1 लाख कैडेट्स को लेकर यही प्रयास अब स्कूलों में भी शुरू किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की 90 यूनिवर्सिटीज ने एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में भी शुरू किया है। मैं आज यहां बड़ी संख्या में गर्ल कैडेट्स को देख रहा हूं। ये देश के बदलते मिजाज का प्रतीक है। देश को आज आपके विशेष योगदान की जरूरत है। देश में आपके लिए आज अपार अवसर मौजूद है। अब देश की बेटियां सैन्य स्कूलों में एडमिशन ले रही है, सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है।